जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 2 में हिंदी विषय के अंदर पाठ संख्या पाँच को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, हिंदी विषय के अंदर कक्षा 2 में पाठ संख्या 5 स्नान, जो कि हमने आधा अध्ययन कर लिया, अब आगे से अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन किया था, अब आगे क्या कहता है मनु जी? जी ये तो बताओ कि क्या रोज़ साबुन लगाकर नहाना ज़रूरी है? मनु क्या कहता है जी जी से कि जी जी ये तो बताओ कि क्या रोज़ साबुन लगाकर नहाना ज़रूरी है? तो जी जी क्या कहती है वापस? जी जी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, जीजी क्या कहती है? अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। तो हमें भी बच्चों ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा साबुन शरीर के रगड़ना नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा साबुन शरीर पर रगड़ेंगे तो चमड़ी कैसी हो जाएंगी? रूखी। कैसी हो जाएगी? रूखी, और चमड़ी की बीमारियां हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो मनु क्या कहता है? जी जी ये तो बताओ, मनु क्या कहता है? जी जी ये तो बताओ कि क्या रोज़ साबुन लगाकर नहाना ज़रूरी है? तो जी जी क्या कहती है? नहीं ऐसा नहीं है, जी जी क्या कहती है? नहीं ऐसा नहीं है, अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। तो मनु क्या कहता है? और किस बात का ध्यान रखे जी जी? मनु क्या कहता है जी जी? और नहाने के लिए किस बात का ध्यान रखें? तो जी जी क्या कहती है? सुनो ध्यान से वापस, सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए, नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए, ना कि ऐसे रगड़ रगड़ के। ठीक है, अगर रगड़ रगड़ के करोगे तो त्वचा कैसी हो जाएगी? चमड़ी रूखी हो जाएगी। तो मल मल के नहाना चाहिए। ठीक है, नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से रगड़ कर साफ करना चाहिए। ठीक है, नहाने के बाद, मल मल कर नहाने के बाद शरीर को जो है मोटे तौलिए से रगड़ कर साफ करना चाहिए, है ना बच्चों? जी जी क्या कहती है? सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से रगड़ कर साफ़ करना चाहिए। छोटा तौलिए से क्या होता है बच्चों? वो जल्दी गीला हो जाता है। ठीक है, और शरीर को साफ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, इसलिए तौलिया भी मोटा होना चाहिए। ठीक है, और उससे रगड़ कर शरीर को साफ़ करना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर देखो आगे जी जी और क्या कहती है? इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है, इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है। जी जी क्या कहती है? इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है और चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं, और चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तौलिए से रगड़ कर साफ करने से शरीर के छिद्र खुल जाते हैं और मैल साफ हो जाता है। ठीक है, मनु क्या कहता है? और किस बात का ध्यान रखे जी जी? नहाते समय और किस बात का ध्यान रखे जी जी? तो जी जी क्या कहती है? सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए, नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए। इसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से रगड़ कर साफ़ करना चाहिए। जी जी क्या कहती है?
जब मलमल कर नहा लेते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए, शरीर को मोटे तौलिए से रगड़कर साफ करना चाहिए। फिर जीजी क्या कहती है, इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है। किससे, तौलिए से रगड़कर शरीर को साफ करने से शरीर का मैल साफ हो जाता है और चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं, और चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है, फिर मनु क्या कहता है, देखो आगे, तब तो खेलने और व्यायाम करने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। मनु क्या कहता है जीजी से, तब तो खेलने और व्यायाम मतलब कसरत करने के बाद अवश्य ही स्नान करना चाहिए। तो जीजी क्या कहती है, हाँ मनु, उसके बाद तो करना ही चाहिए, उसके बाद तो करना ही चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए। पसीना सूखने पर ही नहाना अच्छा होता है, पसीना सूखने पर ही नहाना अच्छा होता है। अगर आप खेलने के बाद और व्यायाम करने के बाद एकदम मतलब आतो आत पीछे, जैसे खेल के आए और आतो आत पसीने में ही स्नान कर लिया, तो आप बीमार हो सकते हो। ठीक है, अगर पसीना सूखने पर करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमेशा बच्चों याद रखना, खेलने और व्यायाम करने के बाद स्नान करना चाहिए, पर कब करना चाहिए, पसीना सूखने पर ही नहाना अच्छा होता है। ठीक है, मनु क्या कहता है, तब तो खेलने और व्यायाम करने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए, अवश्य स्नान करना चाहिए। तो जीजी क्या कहती है, हाँ मनु, उसके बाद तो करना ही चाहिए, क्योंकि खेलने के बाद हमारे गंदगी लग जाती है, ठीक है, और पसीना हो जाता है और शरीर से, ठीक है, मैल निकलना मतलब शुरू होता है, जिससे क्या है, अगर हम पीछे सब पसीना सूखने के बाद मैल उतार कर या अच्छा सा अच्छे से स्नान करेंगे तो शरीर साफ रहेगा। ठीक है ना, तो जीजी क्या कहती है, हाँ मनु, उसके बाद तो करना ही चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए, पसीना सूखने पर ही नहाना अच्छा होता है। तो आप भी बच्चों इस बात का ध्यान रखना, हमेशा शरीर को मलमल कर नहाना चाहिए। कैसे नहाना चाहिए, मलमल कर, और मोटे तौलिए से रगड़ कर शरीर को साफ करना चाहिए, जिससे क्या होता है, शरीर के सारे मैल साफ हो जाता है, शरीर का मैल सारा साफ हो जाता है और चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं, और खेलने तथा व्यायाम करने के बाद तो अवश्य स्नान करना चाहिए, पर करना कब चाहिए, पसीना सूखने के बाद, पसीना सूखने के बाद। जय श्री कृष्णा।